निजाम टीवी के स्टूडियो से मैं हूँ राबिया अफजल। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एजाज लोन एमपीए मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त सिंगापुर में एक माह पहले अपने वालिद के ऑपरेशन के लिए गए थे। सिंगापुर में 92 पाकिस्तानी कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। इस मौके पर एजाज लोन एमपीए का कहना था कि पाकिस्तानी एम्बेसी की हाई कमिश्नर रुखसाना अफजाल का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें मास्क सैनिटाइजर दिए, जिसकी यहाँ भी शॉर्टेज है। इनका मजीद कहना था, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ जी, और तकरीबन एक माह पहले हम यहाँ पे आए थे अपने वालिद साहब की सर्जरी के हवाले से, और 7 तारीख को हमारी फ़्लाइट थी लाहौर से, और 8 को हम सिंगापुर पहुँचे। तकरीबन 10 तारीख को मेरे वालिद साहब की सर्जरी हुई, और वो 5-7 दिन हस्पताल रहे, और फिर हम अपने फ़्लैट में शिफ्ट हो गए। 25 को हमारी वापसी की टिकटें थी, लेकिन बस अल्लाह ताला माफ़ करे, एक आजमाइश है जी पूरी दुनिया के ऊपर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जितना भी पढ़ें उतना कम है। वह इस वबाई अमराज की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद हो गई, और अब हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हमारी यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि यहाँ पे इस वक्त सिंगापुर में तकरीबन 52 लोग हैं जो मुख्तलिफ हवाले से सिंगापुर आए थे और वो फंसे हुए हैं। और इसमें मैं पाकिस्तान एम्बेसी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ की जो हाई कमिश्नर हैं रुखसाना अफजाल साहिबा, उन्होंने हमसे राब्ता भी किया, हमें जो इंस्ट्रक्शंस देनी थी, हमें जो उन्होंने पहुँचाए सैनिटाइजर्स वगैरह और मास्क, जो यहाँ पर भी कमी हो गई जिसकी, और यहाँ पर भी तकरीबन 1100 मरीज है इस वक्त सिंगापुर के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से। और मैं अपने पाकिस्तान में भी और अपने दोस्तों को, भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसके ऊपर अमल करें, और साथ साथ दुआ करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। और मेरी गुजारिश ये है कि आप बिलखसूस कि कोई जिस तरह 4 से 11 तक जो फ़्लाइटें चली हैं पाकिस्तान से यूके और कनाडा के लिए, तो इसी तरह सिंगापुर, मलेशिया और ये जो साइड है, इधर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़्लाइटें चलाए, ताकि हमारे वीज़े जो एक्सपायर हो गए हैं वो हमें, हमसे रबते में है हमारा पाकिस्तान हाई कमीशन, वो एक्सटेंड करा के तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रदेश प्रदेश होता है और घर घर होता है, तो हमारी गुजारिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि यहाँ पर, और आप सारों से कि काइंडली, मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह सिंगापुर के अंदर 52 लोग हैं, मलेशिया के अंदर सुना है कोई 300-400 की तादाद है, तो आप लोग ये हमारा पैगाम उन तक पहुंचाएं। और पहले भी मैंने जैसे कहा है कि एम्बेसी तो वहाँ हमें सारा कुछ बता भी रही है, गाइडलाइंस भी दे रहे हैं, तो आखिर में मैं आप सारे दोस्तों का और सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला जितनी जल्द हो सके हमें इस वबा से, इस वायरस से निजात दे। यूनस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, पेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314।